हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हूँ सिलेरियो का रिव्यू देने, जो कि फाइनली मिल गई मुझे। मैंने इनसे बात भी कर ली है, तो ये वीडियो बनाने देंगे, देख लेते हैं यार फीचर्स। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सिलेरियो को देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, इसका लुक देख लो पहले। तो गाइस देखते हैं अब इसका इंटीरियर, तो स्टार्ट करते हैं। पहला लुक आप बताना कैसा है। मुझे पहला लुक अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा। इसमें मुझे ये बढ़िया लग रहा है, एसी वेंट्स। इसकी फिनिशिंग मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, डैशबोर्ड मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं अभी बैठा हुआ हूँ VXI में, LXI के बाद आता है VXI। छोटा सा गियर नॉब दे रखा है, जो कि आप बताना। और यहाँ पे भी क्रोम फिनिशिंग के साथ आ रखी है गाड़ी, और स्पेस दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आर्मरेस्ट नहीं है यार, आर्मरेस्ट की कमी लग रही है मुझे। और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो स्पेस बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। और गाइज एक और ये जो फिनिशिंग है इसकी, क्रोम फिनिशिंग दे रखी है, जो कि ये डार्क एश ग्रे टाइप लग रहा है मुझे, लाइट ग्रे। और ये फिनिशिंग वगैरह, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़। ये फिनिशिंग ये यहाँ से दे रखा है, ये मतलब यहाँ से बहुत ही एग्रेसिव लुक आ रहा है इंटीरियर का, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ अच्छी की है इन्होंने, फिनिशिंग अच्छी है इनकी। तो इसमें जो फीचर्स हैं मुझे बहुत ही नॉर्मल से फीचर्स लग रहे हैं, जैसे स्टेयरिंग पे कोई कंट्रोल्स नहीं है। कंट्रोल्स जो हैं स्टेयरिंग के वो खैर है ही नहीं। और जो यहाँ पर देख लो आप, इस यहाँ पर कोई कंट्रोल्स नहीं है, यहाँ पर भी कोई कंट्रोल्स नहीं है। जो कंट्रोल्स दे रखा है, पहला ये आ गया, इसको कंट्रोल आ गया, ये आ गया आपका ऑटोमेटिक आ गया, और ये आ गया पावर विंडो, ठीक है। और ये पार्किंग का बटन आ गया, और ये चाइल्ड लॉक, तो ये आ गए। और इसमें ये गाड़ी है VXI, जो कि 5 गियर के साथ आ जाती है। ये यहाँ पे स्पेस, और अंदर से जो फीचर है, जो स्पीडोमीटर है वो ऐसा दिखता है। ये इसकी टॉप स्पीड है 180, जो कि लिखी हुई है, खैर ये जाती नहीं है। यहाँ पे ये मिरर के कंट्रोल्स आ जाते हैं, लेफ्ट और राइट, और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ड्राइवर सीट पे दे रखे हैं वो ऐसा, टिकट होल्डर आ जाता है, हेलोजन बेस लाइट आ जाती है, यहाँ पे भी मिरर आ गया ये। तो ये गाड़ी आती है 2 एयरबैग के साथ, जो कि पहले नहीं आते थे 2 एयरबैग, अभी ये 2 एयरबैग कंपलसरी हो गए हैं। तो VXI में 2 एयरबैग आ जाता है। सीट की क्वालिटी ठीक लगी है मुझे। और यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट आ जाता है, और ये AC के कंट्रोल्स आ जाते हैं यहाँ पे। रियर में कोई थ्रो नहीं दे रखा है, और यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल आ जाता है ये डे नाइट का। और गाइज ये ग्लव बॉक्स आ गया यहाँ पे, जो कि स्पेस नॉर्मल है, जो स्विफ्ट में आती है ये उतना ही स्पेस है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। और यार गाइज मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक तो ये ना मुझे यहाँ पे कंट्रोल्स ना मुझे बहुत अजीब लगा। तो ये जो कंट्रोल्स है ना, वो थोड़े से कह सकते हैं कि ये अगर इस पर दे देते हैं, यहाँ पर दे देते, यहाँ पर दे देते तो सही रहता ना। रियर विंडो का है वो, यहाँ से कंट्रोल होगा, ये राइट का ये लेफ्ट का, तो यहाँ से कंट्रोल होगा। और गेट के पास कुछ नहीं मिलता है, जैसे मैं ऐसे अभी बैठा हूँ कम्फर्टेबली, मेरे पैर में लगी है यार। पीछे की स्पेस दिखा देता हूँ मैं, जो हाँ है लेग रूम है, अच्छा खासा है लेग रूम, इतना स्पेस आ जाता है। आगे भी मुझे अच्छा स्पेस मिला है, और पीछे भी अच्छा स्पेस मिल रहा है। ये 313 लीटर का बूट स्पेस, जो कि मेरे ख्याल से ये CNG का लगने के बाद भी स्पेस बच जाएगा काफ़ी। पीछे से लुक ऐसा आ जाता है। और फ्रंट से देख सकते हैं, फ्रंट से ऐसा आ जाता है। और ये हेलोजन बेस लाइट, और यहाँ इंडिकेटर, फॉग लैंप नहीं है इसमें। लुक वाइज अच्छी है, मतलब पुरानी वाली से ज़्यादा अच्छी है। इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे और वेम पे नहीं दे रखा है। तो गाइज ये आ गया, और इसमें बोतल होल्डर आ जाते हैं, यहाँ पे स्पेस आ जाते हैं। इन्होंने थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की है यार, जिसमें बहुत कॉस्ट कटिंग की है। जैसे हम स्विफ्ट की VXI में देखते हैं, उस पर हैंडल पे ही बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, इस पर नहीं है। रिक्वेस्ट सेंसर टॉप मॉडल में आता है, और एलॉय व्हील्स भी ZXI+ में ही आता है, सिर्फ उसमें ही आता है। बाकी सारी जो नॉर्मल फीचर्स हैं वो इन सब गाड़ियों में दे रखे हैं। जो LXI है मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या होगा यार, मेरे ख्याल से वो भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्पेस तो है, स्पेशियस गाड़ी बनाई है, बहुत अच्छी स्पेस है। और यहाँ पे एक लाइट के थ्रू का, यहाँ पे ये लाइट का कंट्रोल का आ गया। ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी ठीक है, लेकिन सेफ्टी वाइज अगर हम सेफ्टी की बात करें, तो भाई सेफ्टी गेट बहुत हल्के हैं, और पीछे मैं कोई भी गेट इसको टच कर रहा हूँ, बहुत वाली फीलिंग आ रही है भाई, बहुत हल्के हल्के गेट हैं। तो लुक वाइज अच्छी है, स्पेस वाइज अच्छी है,
पहले से बेटर है सिलेरियो। बात करें सेफ्टी की तो आप सब जानते हो सेफ्टी के बारे में यही है, और सेफ्टी में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल से नहीं किया है इस गाड़ी ने भी। यार मारुति को इतना देखना चाहिए वैसे तो। खैर ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन जो होगा वो मैटर करेगा, आप जिस हिसाब से गाड़ी लेना चाहे ले सकते हैं। और इसका जो इंजन की प्रोफाइल है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। 1000 cc का इंजन है जो कि 65 bhp की पावर जनरेट करता है 5500 rpm के साथ, और 89 Nm का टॉर्क है 3500 rpm के साथ। पावर में ठीक है, ये है इसका इंजन का। और गाइस एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये जो फिनिशिंग है ये बढ़िया है, क्रोम फिनिशिंग, ये भी बढ़िया लग रही है मुझे। पीछे से दो गाड़ियों की फीलिंग आ रही है, देख स्विफ्ट और एक बलेनो की फीलिंग आ रही है। आप कमेंट करके बताना आपको कौन सी लग रही है पीछे से। ये VXI में टायर की प्रोफाइल है, वो है R14 14 इंच के टायर हैं इसमें, जो कि व्हील कवर के साथ आता है। नॉर्मल सैंडी में ये दे रखा है। VXI में ना ही डिफॉगर दिया हुआ है और ना ही वाइपर, तो कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें। तो गाइज इस गाड़ी में मुझे ये एक दो फायदे लगे। जो फायदे हैं, स्पेस मिल जाएगा आपको अच्छा खासा, लुक वाइज अच्छी मिल जाएगी पहले के अकॉर्डिंग, और माइलेज बहुत बढ़िया देती है जो कि पहले भी कंपनी इसकी क्लेम करती है 26, और माइलेज अच्छा मिलता है। सिलेरियो अच्छा माइलेज देती है, CNG लगाने के बाद ये 30 का माइलेज देती है जो कि बहुत ज्यादा है, 30-35 का। तो अभी के हिसाब से तो CNG ही लेनी चाहिए अगर सिलेरियो ले रहे हैं तो, पैसा बचाएगी आपका। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही रहेगा इस गाड़ी का कि आपको सेफ्टी के मामले में ये ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। सेफ्टी के फीचर्स दे रखे हैं लेकिन बॉडी की भी क्वालिटी मायने रखती है, सेफ्टी के मामले में ये है। अब बाकी आपका ओपिनियन है कि क्या है, एनकैप रेटिंग आएगी तब देखेंगे। बाकी बॉडी की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, जो ये है ये बॉडी की ये क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, ये हिल रहा है ये। और कॉस्ट कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग बताना। यहाँ पे स्पेस दे रखा है, ये सिर्फ बोतल होल्डर और ये गेट खोलने का, और इतना स्पेस दे रखा है। यहाँ भी ऐसा ही दे रखा है, ऐसे ही पीछे दे रखा है, ऐसे ही पीछे दे रखा है, और यहाँ भी दे रखा है। ये चीज़ें थी, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। बाकी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गाय बिहाइंड द कैमरा, जो कि नाम चेंज हो जाएगा जल्दी ही, जैसे ही मैंने पिछले वीडियो में अनाउंस किया था कि इसका नाम चेंज करूंगा मैं। और एक और चीज़, मैं इसकी टेस्ट ड्राइव भी लूंगा, मैं तब देखूंगा इसके इंजन का पावर। तो टेस्ट ड्राइव मेरे ख्याल से 2 दिन बाद मिल जाएगी, तब मैं आपको टेस्ट ड्राइव करके दिखा दूंगा, जो कि टॉप मॉडल का होगा ZXi+ का, तो उसका दिखाऊंगा और उसके फीचर्स भी मैं आपको दिखा दूंगा जो कि इससे ज़्यादा है VXI से। वैसे लेने का फायदा ZXi+ को ही है क्योंकि उसमें सब कुछ मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखो भाई, गाड़ी अच्छे से चलाओ और जो भी व्हीकल है वो अच्छे से चलाओ, और अपना ज़रूर ध्यान रखो।